आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के बारे में। और क्योंकि देखिए जिस तरह से मार्केट में निफ्टी ने रिकवरी दी है, बट उसके बावजूद भी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट है, जबकि मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है आज। तो अभी काफ़ी सारे जो निवेशक हैं उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अब वो लोग ये कहते हैं कि मार्केट तो काफ़ी बढ़ जाता है लेकिन हमारे स्टॉक्स फिर भी कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं। द रीज़न कि आपका जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स में आपने बाइंग की हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में, उनके शेयर्स में अभी तेज़ी नहीं आ रही और उनमें लगातार गिरावट का दौर जारी है। तो अब हम एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी और कितनी गिरावट बाकी है, क्या तेज़ी की उम्मीद आगे हम रख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सभी अपने नए व्यूअर्स को यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर 7217718769 है। बट याद रखिएगा, इस नंबर पर आपको फ़ोन कॉल्स नहीं करनी है, वो आपके अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी फॉर दैट। एंड टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए एक नॉमिनल सी फीस है 600 रुपीज़ मंथली, जिसमें कि मैं आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से आपको निकलना है, आपके स्टॉक टिप्स बताऊंगा, बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट, सपोर्ट एंड स्टॉप लॉसेस बताऊंगा मैं आपको, और किसी भी तरह की क्वेरीज को आपको सॉर्ट आउट करूंगा दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के बारे में। और हम लोग एक बार चार्ट को देख लेते हैं। दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। आज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन भी पहले भी अर्लियर वीडियोज़ में किया हुआ है कि देखिए निफ्टी में 10,870 का लेवल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। कल भी एक बियरिश रेड कैंडल क्रिएट हुई एंड आज भी जो मार्केट में जब ओपन हुआ निफ्टी तो नीचे रेड की तरफ ही ओपन हुआ और 10,870 का लेवल टच किया। बट लास्ट हाफ एन आवर में यानी 3 to 3:30 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई और निफ्टी 100 पॉइंट प्लस बंद हुआ। सो ये सब कुछ इतना फटाफट हो गया कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है। बट स्टिल अभी आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये आज की जो ग्रीन कैंडल 25 सितंबर की, वो 24 सितंबर की रेड कैंडल की जस्ट हाफ है, यानी कि उसने आधी कैंडल कवर कर ली। और मैं मानना चाहिए, मुझे ये लगता है कि अगर कल भी निफ्टी के अंदर तेज़ी रहती है और इसने कल अगर 10,160 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग अगर निफ्टी में दे दी तो एक निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्सपायरी डे रहेगा थर्सडे का, उस दिन हो सकता है फर्स्ट हाफ में निफ्टी में कुछ करेक्शन या डिप देखने को मिले, बट आफ्टर सेकेंड हाफ उसमें वापस रिकवरी आने की पूरे चांसेस रहेंगे। सो निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट लेवल मेंटेन किया 10,870 का और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक दिया आज लास्ट हाफ एन आवर में। बट लेट्स सी कि कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्या मार्केट में कल तेज़ी रहती है बरकरार। अगर तेज़ी बरकरार रही मार्केट में, क्योंकि जिस तरह से DHFL और जो हाउसिंग फाइनेंस जितने भी स्टॉक्स थे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के, वो आज काफ़ी हद तक उनमें भी अच्छी खासी डिप आई है। आज भी DHFL में लगभग 20 से 22% का डिप आया है, PNB हाउसिंग फाइनेंस भी डिप हुआ है, उसके अलावा आप इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी बड़ा गिरावट है, ठीक है, ग्रे फाइनेंस में भी काफ़ी गिरावट। सो फाइनेंस सेक्टर में के जो स्टॉक है उनमें आज भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है एंड प्रोबेबली चांसेस है कि उनमें स्टिल अभी एक या दो दिन हम इस हफ्ते एटलीस्ट और गिरावट का दौर देख सकते हैं, प्रेशर उसमें देख सकते हैं। सो अभी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा, जल्दीबाजी में खरीदारी मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऊपर लेवल्स पर खरीदेंगे और फिर वहाँ पर आपको पैनिक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। ओके, सो ये हमारा निफ्टी का ट्रेंड था। सो नाउ हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, जो कि लगभग 1.19% आज डिप के साथ क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ। और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर डेली चार्ट में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 6500 का बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक 6500 का सपोर्ट मेंटेन किया था, उसके बाद इसके नीचे काफ़ी समय से ट्रेड किया, नहीं तोड़ा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टच करने के बाद लगभग 30 अक्टूबर 2016 को वापस नीचे चला गया, डिप लिया 5400 तक स्मॉल कैप इंडेक्स किया। और एंड देन उसके बाद 9th February 2017 ऑनवर्ड इसने 6500 का लेवल ब्रेक किया और ऊपर की तरफ एक ज़बरदस्त रैली दिखाई। और उसके बाद आप देखेंगे कि 17 जनवरी 2018 तक
जो स्मॉल कैप इंडेक्स था उसने 9600 तक का लेवल टच किया। उसके बाद कंटिन्यूसली स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट का दौर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि 9600 से गिर के 6600 के लेवल पे आ चुका है, लगभग ऑलमोस्ट 30% गिरावट आ चुकी है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और अब यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट का अंदेशा नहीं लगता, यहाँ से हमें रिकवरी के चांसेस हैं, हो सकता है 50-100 पॉइंट की और हल्की फुल्की गिरावट हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिले। बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। बट उसके लिए अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँगा दोस्तों, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 6980 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक कि 6980 के लेवल को ब्रेक नहीं करता स्मॉल कैप इंडेक्स, वो एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा बिटवीन द 6500 टू 7000 लेवल। एंड अगर एक बार उसने 7000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो तकरीबन आएगा इसमें 7700 से लेकर 7800 के बीच में। सो अभी यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, आप RSI देख सकते हैं काफ़ी लोअर लेवल पर है इस समय, RSI लगभग 20 पर ट्रेड कर रहा है, ओवरशॉट जोन में RSI है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और हमें लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी में एक स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, आगे किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ जनरेट नहीं होती और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, सो बहुत टाइम हमने देखा कि ज़्यादातर अक्टूबर मंथ में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। बीते कुछ सालों के अगर हम कंपैरिजन करते हैं और हम अगर उसमें मंथली बेसिस पर रिटर्न हम लोग निफ्टी में देखते हैं, तो हमें पीछे कई सालों में कई महीनों में जो जब भी हम अक्टूबर मंथ देखते हैं तो अक्टूबर मंथ में एक अच्छा, ज़्यादातर एक अच्छा रिटर्न हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। सो होपफुली नवंबर मंथ में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को, सितंबर मंथ में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में एक अच्छी रिकवरी के साथ हम लोग उसमें स्ट्रेंथ और अप मूव देख पाएंगे दोस्तों। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात की और उसके अलावा मैं मिड कैप के बारे में बात करा देता हूँ। तो इसीलिए चूंकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 30% डिक्लाइन हुआ है और यही रीज़न कि आप लोगों की होल्डिंग भी टूटी है और उसमें आपको नुकसान होता है, लेकिन जैसे जैसे स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ेगा उसमें तेज़ी आएगी तो जो आपके लोअर लेवल्स पे स्टॉक्स हैं उनमें भी वापस रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आज मिड कैप इंडेक्स में ना तो अप मूव हुआ है ना डाउन हुआ है, नीचे की तरफ गया जरूर आज और आप देखेंगे लगभग 17,500 तक के लेवल, 536 के लेवल टच किए लोअर लेवल पर मिड कैप इंडेक्स ने। और मिड कैप की अगर बात करूँ तो सपोर्ट लेवल जो मिड कैप का वो 17,400 का है, सो आप यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मेंटेन करके रख सकते हैं डेली चार्ट पे 17,434 का। तो आप 17,400 का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट मानिएगा मिड कैप इंडेक्स में, और जब तक मिड कैप इंडेक्स इसके नीचे नहीं जाता तो और ज़्यादा गिरावट हमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 17,400 को तोड़ा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो 17,000 रहेगा एंड उसके बाद 16,500 तक के लेवल हमें जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें देखने को मिल सकते हैं। बट चूंकि आज एक अच्छी रिकवरी है और आप जिस तरह से RSI को भी देख रहे होंगे, लगभग RSI भी 27-28 की रेंज के आसपास है, यहाँ पर एक ग्रीन हैमर काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट की आफ्टर टचिंग इट्स लो, एक अच्छी रिकवरी दिखाई एंड ऑफ द डे मार्केट ने और निफ्टी के जो मिड कैप इंडेक्स ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आने वाले दिनों में तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमें मिड कैप इंडेक्स में और मिड कैप शेयरों में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंसेज हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे एंड 18,650 के आसपास, यानी यहाँ से लगभग 500 से 700 पॉइंट की तेज़ी हमें मिड कैप इंडेक्स में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर इसने रेजिस्टेंस 18,600 के लेवल नहीं तोड़ा तो उसके बाद यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरावट आएगी और फिर एक अच्छी हम लोगों ने इसमें बियरिश कैंडल को देख सकते हैं। सो गाइज ये निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स की बात है और हम लोगों ने ये निफ्टी मिड कैप और निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात की है। कल हम देखेंगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट होते हैं तो होपफुली हमें स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में भी आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी। बट गाइस अलर्ट रहिएगा क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ने एक ज़बरदस्त डिप दी है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। अभी निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे को, तो वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए कि किस तरह से निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करता है, बिहेव करता है। आपको पूरे मौके मिलेंगे लॉन्ग पोजीशन बनाने के, आपको पूरे मौके मिलेंगे लोअर लेवल्स पे ऐड करने के, लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई और अगर रिवर्सल आ गया कुछ एक कहते हैं डेड कैट बाउंस के बाद, तो आप अगर आज का एक मूवमेंट जो एक अप मूव है अगर उसने एक डेड कैट बाउंस की तरह ट्रीट किया और आपने जल्दीबाजी में ट्रेड ले ली और ये वापस रिवर्सल चला गया नीचे की तरफ, तो आपको भारी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये हमने चर्चा की आज निफ्टी के मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। फिलहाल ये अपनी बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स, मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट का अंदेशा इसमें नहीं लगता है एंड बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन अगर सब कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो यहाँ से हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में जो डिक्लाइन है बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तो अपनी पोजीशंस को बना के रखिएगा, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिएगा, लेकिन चूंकि काफ़ी करेक्शन आया है तो आपका जो होराइजन होगा वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, तभी आपको मुनाफे मिलेंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सिस बैंक और यस बैंक के बारे में, हम कंपेयर करेंगे दोनों बैंक्स को। हालांकि एक्सिस बैंक मोर देन 600 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि यस बैंक 219.20 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या इनके वैल्यूएशन है और कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक है, और दोनों का कंपेयर करके हम लोग आपको बाकायदा फंडामेंटल्स वे पे हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो एनपीए डाइवर्जेंस के मामले में हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी के मामले में हो, और चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में हो। दोनों ही स्टॉक के हम जल्दी ही 1-to-1 कंपेयर करेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस स्टॉक के साथ लॉन्ग पोजिशन बनाना और किस में हमें थोड़ा सा अपना को थोड़ा सा रिजर्व लेके चलना है। सो गाइस, देखते रहिए मेरा चैनल मनी ट्री, और अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक इमीडिएटली पहुंचते रहेंगे जैसे ही अपलोड होगा वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।